गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल शी स्टाइल शॉप। कैसे हो आप सब? तो आज इस वीडियो में फिर से मैं लेके आई हूँ कि मैंने अपनी पुरानी साड़ियों को किस तरह से नई नई ड्रेसेस में कन्वर्ट किया है। मैंने जो लास्ट वीडियो पोस्ट किया था कि पुरानी साड़ियों को कैसे रीयूज करें, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने उस वीडियो को बहुत अप्रिशिएट किया। आप लोगों को वो वीडियो काफी पसंद आई है, मेरा वो तरीका बहुत पसंद आया, और बहुत ही उस वीडियो को लाइक करने के लिए, बहुत सारे लाइक्स करने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। तो जब मैंने इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट पढ़े एंड वो देखा मैंने कि बहुत सारे लोग उस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो आई थॉट कि मुझे एक पार्ट टू बना लेना चाहिए। मेरे को अपनी और सारी ड्रेसेस आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि मैंने कौन कौन सी साड़ी से किस तरह से ड्रेसेस बनवाई हैं, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल बटन पर हिट कर दिया, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, तो बेल बटन पर जरूर हिट कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक साड़ी थी, मैं आपको दिखाती हूँ पास से। ये एक ब्लैक कलर की साड़ी थी और जिसपे ओनली इस तरह का थ्रेड वर्क हुआ हुआ था। इसपे कोई भी स्टोन वर्क नहीं है, किसी भी तरह का ऊपर का कोई वर्क नहीं था, इसपे ओनली थ्रेड वर्क था। तो इससे ड्रेस बनाना बहुत इजी था। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो कली वाली ड्रेसेस होती हैं उनसे ड्रेसेस बनाना बहुत इजी होता है, जिनपे हैवी वर्क नहीं होता है, सिंपल साड़ियां होती हैं उनसे ड्रेसेस बनाना इजी होता है, क्योंकि कटिंग और स्टिचिंग इजी हो जाती है उनपे। तो ये एक साड़ी थी ब्लैक कलर की, जिसमें से जो उसका पल्ला वाला पार्ट था ना, जिसमें ज्यादा एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, तो उसके लिए तो ये चोली पे ले लिया इस तरह से। एंड जो बाकी की जो साड़ी थी उससे बनाई पूरा ये गाउन, एंड जो बॉर्डर का पार्ट था उसे इस तरह से बॉटम पे लगाया है, और पूरी साड़ी पे इस तरह से छोटी छोटी बूटियां थी, एंड इसके अंदर एक अस्तर लगाया है, इनर लाइनिंग जिसे आप कह सकते हो ब्लैक कलर की, एंड उसके अंदर उन्होंने लगाई है केन। तो ये बहुत ही लाइट वाली केन है, बहुत हैवी वाली नहीं है। तो इस तरह की केन लगाने से क्या होता है, गाउन का जो लुक है वो काफी हैवी आता है। सो एज यू कैन सी, इसका जो लुक है नीचे से वो काफी हैवी आ रहा है, बहुत ही लाइट सी स्कर्ट नहीं लग रही है ये, तो काफी अच्छा हैवी लुक आया इसका। एंड इस तरह से ये पूरा गाउन बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। एंड बैक साइड में इसमें जिप लगवाई है, तो इस तरह से बंद हो जाती है ये जिप, एंड क्योंकि इसका जो नेक है वो इस तरह से राउंड नेक वाला बनवाया है, हाई नेक वाला, तो इस तरह से मैंने ये गाउन रेडी करवाया है। सेकंड जो ड्रेस मैं आपको दिखाऊंगी वो है एक शरारा स्टाइल में, एक प्लेन साड़ी थी, बिल्कुल प्लेन साड़ी, मतलब इसपे कोई बोटी वर्क नहीं था, कुछ नहीं था, बस बॉर्डर था, तो इस तरह से बॉर्डर था, तो जो बॉर्डर वाला पार्ट था उसको बॉर्डर पे लगवा दिया, इस तरह से नेक पे थोड़ा डिजाइन बनवा दिया। एंड ये वाली स्लीव्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में है अभी, बेल स्लीव्स, तो इस तरह से बेल स्लीव्स बनवा ली, और जो वही बॉर्डर वाला पार्ट था वो बेल स्लीव्स के बीच में दे दिया, तो बहुत ही अच्छी सी डिफाइन सी हो गई है ये थोड़ी, तो काफी अच्छा ये बन गया। ये एक शॉर्ट कुर्ता बनवाया है, एंड उन्होंने थोड़ा सा ये डिजाइन दे दिया इसमें, इस तरह से ये थोड़ी लटकन टाइप की लगा दी है इस कुर्ते में, तो इस तरह से ये पूरा कुर्ता बन के रेडी हुआ। साथ नीचे बनवाया है इस तरह का शरारा, तो आप देख सकते हो प्लेन जॉर्जेट की साड़ी थी ये, तो कितना अच्छा बना है इसका शरारा, एंड जो बॉर्डर का पार्ट था वो इसमें नीचे लगवा लिया इस तरह से। इसमें भी उन्होंने लाइनिंग लगाई है सेम मैचिंग कलर की, इस तरह से लाइनिंग लगवाई है, एंड इसमें साइड में चेन लगवाई है, क्योंकि शरारा जो होता है वो ऊपर से थाइस पे थोड़ा फिटिंग का होता है और नीचे से लूज होता है, तो इस तरह से यहाँ पे चेन लगवाई, तो इजीली पहन लिया जाता है, एंड उसके बाद चेन को बंद कर लो, इस तरह से बेल्ट लगवाई है, तो आप काम देखो कितने अच्छे फिनिशिंग से किया है, साड़ी से इसको बनाया है और बहुत ही अच्छा फिनिशिंग इसमें आई है। एंड इसको इस कलर के दुपट्टे के साथ मैं पेयर कर लेती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। एंड थर्ड जो ड्रेस मैंने बनवाई है वो है एक सूट, प्लाजो सूट बनवाया है। तो ये एक साड़ी थी, ये भी जॉर्जेट की साड़ी थी। इस साड़ी पे ना इस तरह से थोड़ा थोड़ा वर्क हुआ हुआ था, आप ये देखो ये जो नेक है, नेक पे जो ये वर्क हुआ हुआ है, इस तरह से बॉर्डर था, पतला पतला बॉर्डर, तो इस तरह से नेक बनवा लिया इसका, और जो इसका प्रिंटेड पार्ट था उसको ऊपर चोली पे रख लिया प्रिंटेड, और जो प्लेन साड़ी थी उसको इस तरह बॉटम पे रख लिया, और अगेन जो इस पे जो वर्क हुआ हुआ था नीचे भी इस पे इस तरह की ये लेस वाला वर्क दे दिया, और पूरी साड़ी पे छोटी छोटी बूटियां बनी हुई थी, तो इस तरह से पूरा ये एक कुर्ता बन के रेडी हुआ। एंड इसके साथ बनवाया है प्लाजो,
तो ये प्लाजो भी आप देखो, फिनिशिंग देखो आप कितनी अच्छी है, पूरा इन्होंने मतलब अच्छे से बनाया, आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये साड़ी में से बनवाया है। तो आपका टेलर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से ये प्लाजो बन गया, आप देखो इसका फ्लेयर कितना अच्छा है प्लाजो का। एंड ये जो लेस थी वो नीचे अगेन यहाँ पे भी लगवा ली है। तो इस तरह से ये प्लाजो बन के रेडी हो गया। सो गाइज, ये तीनों जो ड्रेसेस हैं ये कोई बुटीक से नहीं बनवाई हैं, ये नॉर्मल सिंपल लेडीज टेलर से बनवाई हैं, जो सूट वगैरह ब्लाउज वगैरह सिलते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको क्या ड्रेस बनवानी है, तो आप उनको समझा देंगे तो वो इजिली आपको बना के दे देंगे। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कलियों वाली जो साड़ियां होती हैं जिनमें कलियां बनी हुई होती हैं, उनसे आप अनारकली सूट बनवाइए, वो बहुत अच्छे बनते हैं। उनसे आप प्लाजो बनवा सकते हैं या फिर आप इस तरह के शरारा बनवा सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे बनते हैं, लहंगे बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आपकी सिंपल साड़ी है, प्लेन साड़ी है, तो आप गाउन बनवा सकते हो जैसा कि मैंने आपको दिखाया थ्रेड वर्क वाली। लेकिन अगर आप बनवाना चाहते हो अपनी पुरानी साड़ियों से, तो कोशिश करें कि जो थ्रेड वर्क वाली या सिंपल बॉर्डर वाली साड़ियां हो ना, आप उनसे ही रीयूज करें, आप उनसे ड्रेसेस बनवाएं। ज्यादा बीड्स वाली या ज्यादा हैवी जो वर्क वाली साड़ियां होती हैं, उनसे कटिंग और स्टिचिंग थोड़ी मुश्किल होती है, तो कई बार कपड़े खराब भी हो जाते हैं, नहीं सिल पाते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। तो आप अपनी सिंपल साड़ियों को रीयूज करिए, अपने नए नए आइडियाज जो है वो अपनी उस ड्रेस में डालिए और बहुत ही अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल ड्रेसेस को क्रिएट कर लीजिए। तो इस तरह से आप बनवा सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें एक्सपेंस कितना आया, क्योंकि लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि ड्रेसेस तो दिखा दी लेकिन बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है, इतने में तो बाहर आपको ड्रेस मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं है। इसमें जो एक्सपेंस है ना टोटल, एक तो आपकी लाइनिंग का, चाहे आप लाके दे दो उन्हें या फिर वो अपने पास से दे देते हैं तो वो आपसे चार्ज कर लेते हैं, तो जो लाइनिंग जितनी लगेगी आपकी ड्रेस में, जो अस्तर होता है उसका चार्जेस लेते हैं, और अपनी स्टिचिंग का चार्जेस लेते हैं। तो स्टिचिंग टेलर टू टेलर डिपेंड करता है कि कौन सा टेलर कितनी ले रहा है, कहीं पे ज्यादा चार्जेस होते हैं, कहीं पे थोड़े कम चार्जेस होते हैं, तो आपको देखना होगा कि टेलर कितने पैसे ले रहा है। तो बस स्टिचिंग का चार्जेस एंड जो लाइनिंग लगती है उसके पैसे। गाइस, अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पे हिट कर दीजिए। एंड ये सूट जो मैंने पहना है ना, ये कुर्ती, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती है। ये मैंने परचेज की सिलौरी से, सिलौरी हॉल मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, तो प्लीज चेकआउट कीजिए उस वीडियो को भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।